का कोई सर पैर नहीं होता। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने का मतलब ये नहीं कि वहाँ क्रिश्चियन बनने के तौर तरीके सिखाए जाएं। हमारी नज़रों में बच्चे सिर्फ बच्चे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई नहीं। और अहम बात तो ये है कि शादी एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अगर उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी जगह होगी तो उसका आने वाला फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। शर्मो हया लिबास से ज़्यादा आँखों में होती है। क्या सिर्फ शलवार कुर्ता पहनना, अच्छी एजुकेशन और शर्मो हया का हल है? नहीं। शादिया की एजुकेशन अच्छी हो और उसका आने वाला कल अच्छा हो, इससे ज़्यादा आपको और क्या चाहिए? आपको देख के लोगों का हौसला बढ़ेगा और वो अपनी बेटियों को भी आगे लाएंगे। तो डैडी सच में डिलेमा में थे कि मैं भेजूं नहीं भेजूं, लोग क्या कहेंगे, कैसा होगा, क्या माहौल होगा और क्या लोग सही तो नहीं कह रहे हैं कि ये क्रिश्चियनिटी की तरफ हो जाएगी, इसका रुझान क्रिश्चियनिटी की तरफ हो जाएगा। उनके भी दिल में थी, मैं वो समझ सकती हूँ। मुझे अच्छे से याद है, हमारी जो आंटी थी एक, जो हमारे पड़ोस में रहती थी, वो स्कूल में टीचर थी। उन्होंने कहा कि वो डैडी की बहन बनी हुई थी, उनका सोसाइटी में इतना उनको अच्छे से नहीं लोग मानते थे क्योंकि वो एक इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल की टीचर थी। तो उनके यहाँ लोग, औरतें नहीं जाती थी कि नहीं भाई उनके यहाँ नहीं जाना, उनके यहाँ माहौल बड़ा वैसा है। और माहौल का मतलब क्या हुआ कि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हैं, ये माहौल वाली बात थी। उन्होंने रिकमेंड किया डैडी को कि आप इसे भेजें स्कूल में। शाजिया नकवी के वालिद राजस्थान के एक छोटे से गांव मालपुरा के रहने वाले थे, पर किसी ने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी बेटी शाजिया की उड़ान इतनी ऊंची होगी। घर में इल्म की इज्जत भी थी और बच्चों को पढ़ाने पर जोर भी था। शाजिया की तालीम जयपुर के सबसे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में हुई। दरअसल शाजिया के पढ़ाई में बेहतर होने की सबसे बड़ी वजह खुद उसके वालिद थे। शाजिया का नसीब उन लड़कियों से कहीं बेहतर था जो इल्म हासिल करने की जद्दोजहद माशरे से भी करती हैं और अपने वालदेन से भी। इस मामले में शाजिया को पूरी आजादी मिली। वालिद मोहतरम इल्म की इज्जत करते थे। ये बात और है कि उनके चंद दोस्त अहबाब शाजिया की तालीम के सख्त खिलाफ थे। उनके मुताबिक शाजिया की पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में कराना आफत मोल लेना था। खैर, इन बातों को वक्ती मानकर शाजिया इल्म हासिल करने के अपने मजबूत इरादों पर अटल रही, क्योंकि उसके वालिद उसके लिए जैसे वो मजबूत ढाल थे जो दुनिया की तमाम तंजो तानों को खुद पर झेलते रहे। अब्बू ने हमें मौका दिया है एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का, उन्होंने इतना सोसाइटी को से लड़के हमें एक मौका दिया है, तो मुझे उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ये मेरे दिमाग में बस बात थी। एंड जब अबू ने एडमिशन करवाया था डैडी ने कॉन्वेंट स्कूल में, तब यही था, कितनी खिलाफत हुई थी हर तरफ से। माफ कीजिएगा जनाब, आपकी ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है। ठीक कहा आपने मंजूर भाई, अब आप ही सोचिए आखिर जमाना क्या कहेगा। जमाने के भी कोई तौर तरीके हैं। आज आप अपनी बेटी को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने भेजेंगे और जनाब कल वो ईसाइयों की जुबान बोलेगी। ये तो होना ही है। और मोहतरम, ये तो हमारे और आपके पुराने ताल्लुकात की वजह है जो हम आपको समझा रहे हैं, वरना पीठ पीछे लोग आपकी खिलने उड़ाएंगे। अब आप अपनी ही कहते रहेंगे या मेरी भी सुनेंगे? सुनाइए सुनाइए, क्या पता आप बाद में बोलने के लायक रहे भी या नहीं रहे। मैं जानता हूँ कि आपके साथ आपके कई दोस्त अहबाब हैं जो मेरे इस फैसले की मुखालफत करते हैं, लेकिन मुझे इसकी कोई वजह नहीं लगती। नहीं लगता? एक मुसलमान की बेटी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेगी, घुटनों तक का लिबास पहनेगी और आप कहते हैं कोई वजह नजर नहीं आती। इस्लाम में, इस्लाम का नाम मत लीजिए, इस्लाम में वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। हुजूर ने फरमाया है कि अगर तालीम हासिल करनी है तो चीन तक जाओ, और आप हैं कि तालीम के नाम पर चार कदम नहीं चलना चाहते और ना ही दूसरों को चलने देना चाहते। चीन तो बहुत दूर की बात है जनाब। मां शर्मो है अभी कोई चीज है या नहीं? तो आपको क्या लगता है, जहां अच्छी तालीम मिलती है
वहां शर्म हया ताक पर रख दी जाती है। देखिए जनाब, बात अपने अपने मिजाज की है। आप कहते हैं कि बेटियों को पढ़ाना क्यों, जब उनको घर में रोटियां ही पकानी है। अरे जनाब, मैं तो कहता हूं जमाना तरक्की पसंद है। पुराने और मुरझाए फूलों से चमन में खुशबू नहीं होती, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम फूलों को तरोताजा रखने की कोशिश करें। बेटियां फूल होती हैं, जहां जाएंगी खुशबू ही फैलाएंगी, बशर्ते उन्हें खिलने का मौका तो मिले। वो तालीम याफ्ता हूं तो हो सकता है आप मेरी इस दलील से इत्तफाक ना रखते हों, लेकिन मैं अपनी शाजिया को हर मुमकिन अच्छी तालीम दूंगा। मेरे जो अब्बा हैं, उन्होंने बस ये कहा था कि नहीं, मुझे इसे अच्छी एजुकेशन देनी है, और मेरे बाद सारी जो हमारे कजन्स हैं, इसी से आप एग्जांपल लीजिए। मेरा वाज अ ब्रेक पॉइंट, मेरा वाज अ इट वाज अ स्टेप स्टोन एक्चुअली, कि मेरे कॉन्वेंट में जाने के बाद मेरी सारी कजन्स, मेरी चचेजात बहनें और जो दूसरे जो बच्चे थे, वो सब कॉन्वेंट में ही गए। फिर वो ट्रेंड बदल गया। जब से हम स्कूल्स में जाते हैं, तब से ही हमें, मतलब कुछ लोग बड़ी ही अजीब तरीके से क्वेश्चन करते हैं, जो मतलब दैट इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। हमें समझ में नहीं आता कि हम उसका किस तरीके से रिएक्ट करें या किस तरीके से उसे जवाब दें, और बहुत अजीब लगता है। तो मुझे अच्छे से याद है, जब मैं 11th में थी, तो मेरी एक दोस्त ने मुझसे कहा था, देख अनीता, तेरी बात मेरी समझ से बाहर है। तो चाहे जो भी कह ले, बात तो यही है। मैं नहीं मानती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू मानती है या नहीं, और वैसे भी चलो चलो, स्कूल के लिए देरी हो गई। चलो चलो चलो, शाजिया भी आ गई, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बात पूछूं? लेकिन झूठ मत बोलना, झूठ बोलेगी तो मुझे कसम लगेगी। हाँ हाँ, तुम पूछो तो सही। अच्छा ये बताओ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा है, तो तुम किसको सपोर्ट करोगी? किसको सपोर्ट करूंगी? ये क्या बात हुई, मैं कुछ समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? सवाल एकदम सीधा साधा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा हो, तो तुम किसको सपोर्ट करोगी? उससे पहले तुम ये बताओ कि हमारा वतन कौन सा है? हिंदुस्तान। और अपने वतन से बढ़कर और क्या होता है? मैं बताती हूँ, अपने वतन से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता। मिल गया जवाब। अम्मी, दरवाजा बंद कर लो। उन्हें फिर मैंने उस लेवल पे समझाना कि ये चीज अलग होती है। हम इंडिया में हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान एक सेक्युलर स्टेट है, उस चीज को आप भी रिस्पेक्ट करिए और हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। अमूमन कोई सोच या कोई ख्याल किसी समाज में बनता है तो धीरे धीरे उसे एक रस्म माना या समझा जाने लगता है। शाजिया को भी न चाहते हुए कुछ ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ा। मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल में, वो ब्राह्मण थी, तो उसने मुझे कहा कि उनकी उनकी दादी भी उनके साथ रहती थी, तो उसने कहा कि शाजिया, आज स्कूल के बाद तुम मेरे साथ घर चलना। शी वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी, शी वॉन्टेड टू स्टडी विद मी, मेरे साथ पढ़ना करना। तो मैंने, ठीक है, मैंने अपने एक दिन पहले अपने पेरेंट्स से पूछ लिया। वैसे मुझे इतनी परमिशन थी नहीं कि मैं बाहर जाऊँ या किस मतलब अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर खाऊँ या कुछ और बाहर जाऊँ, लेकिन उनके घर की मुझे इजाज़त मिल गई थी। तो अबू ने कहा, ठीक है आप चली जाइए, मैं आपको रात को लेने आ जाऊँगा। हम उनके घर गए। तो चिंता मत कर, अबू मुझे लेने आ जाएंगे। देख शाजिया, मैं तुझे घर के अंदर ना शाजिया नहीं सीमा बुलाऊंगी। वो क्यों? ये मेरा घर है और मुझे यहाँ के बारे में पता है। लेकिन ओहो, इस बात में रखा क्या है कि मैं तुझे क्या बुलाती हूँ? यही तो मैं कह रही हूँ कि इस बात में क्या रखा है। तो मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकती? तुम शाजिया नहीं सीमा हो, बस। अब आओ मेरे साथ। अरे बेटा, कहाँ रह गई थी, बड़ी देर कर दी। हाँ, ये कौन है बेटी? ये मेरी सबसे प्यारी सहेली है सीमा। अच्छा, अरे आओ बेटी, तुम भी हमारे साथ खाना खाओ ना, बैठो। वो मैंने तो खाना। अरे बेटी कोई बात नहीं, बैठ ही जाओ। आओ, अब बैठ भी जाओ सीमा। अरे बहू, सीमा के लिए तो खाना लगा, बैठो बेटी। बैठो बैठो, तुम दोनों क्लासमेट्स हो। सीमा, तुम्हारे घर कहाँ है? वो दादी यही पास में ही है। सीमा पढ़ाई में बहुत होशियार है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, और तुझे भी इससे कुछ सीखना चाहिए। ऐसे ही बच्चे अपने जीवन में सफल होते हैं। बेटी सीमा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? माफ कीजिएगा, पर आप मुझे बार बार सीमा सीमा मत बुलाइए। मेरा नाम शाजिया है, शाजिया नकवी। क्या?
ये मुसलमान है? दादी ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मैं कहती हूँ कि तू चुप रह। शर्म नहीं आती तुझे इसे यहाँ लाते हुए? वो मेरी जिंदगी का ऐसा वाकया था कि मैं सच में दहल गई थी कि क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा क्या हो गया, और उन्होंने लेकर बर्तन फेंक दिए। अरे ऐसे कैसे, कोई बात नहीं है, हे भगवान, अरे हाय हाय, अरे तूने तो मेरा जन्म ही भ्रष्ट कर दिया है। हाय हाय भगवान, अब तो ये सारा घर मुझे साफ करवाना पड़ जाएगा। राम 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 राम, अरे राम 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 राम, हे राम, अरे राम 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 राम, राम राम राम। अरे बेटी बुरा मत मानना, वो क्या है कि माता जी जरा पुराने विचारों की है। जी अच्छा, मैं चलती हूँ। I had no grudges with my friend. At any point of time, I had no grudges with her. In fact, she was the one जो अगले दिन आके मुझसे वो कट रही थी, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, वो बहुत घबरा रही थी कि मैं शाजिया से कैसे ग्रीट करूँ। मैंने ही आगे होकर उसके पास गई, मैंने कहा कोई ऐसा मसला नहीं है, मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो शायद उन्हें वक्त लगेगा समझने के लिए। और ये बात भी हकीकत है कि मेरे दिल में कोई एज सच नफरत नहीं हुई, लेकिन हाँ मुझे फिर पता लगा कि ऐसे भी लोग होते हैं। क्योंकि मैं इस इंसिडेंट से मतलब ये नहीं है कि सारे हिंदू फ्रेंड्स ऐसे हैं, उसका मतलब ये नहीं है। कोई भी इंसान किसी और के ख्यालात की जंजीर अपने पैरों में डालकर नहीं चलता। शाजिया नकवी की सोच से भले ही कोई इत्तेफाक ना रखे, लेकिन हकीकत पर जंग नहीं लगता। कोई है एक हमारी जानने वाली, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने बच्चे को पोलियो की ड्रॉप पिलाती हो, वो मुस्लिम थी, तुम अपने बच्चे को पोलियो की ड्रॉप पिलाती हो ये जो गवर्नमेंट देती है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल रेगुलर, मैं तो अगर होता है तो, और अगर मैंने उसे डोज दी हुई है उसके बाद भी मैं उसे वो वैक्सीनेशन करवाती हूँ। कहती नहीं वो नहीं दिलाया करो। मैंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? कहती नहीं नहीं वो नहीं दिलाया करो, वो ये इसलिए देते हैं जिससे कि बच्चे इम्पोर्टेंट हो जाएँ, मुसलमान बच्चे, और वो फिर आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकें। मैं हैरान थी, मैंने कहा अल्लाह तेरा भला करे, औरत कौन सी दुनिया में हो, तुम कहाँ हो, किधर तुम कौन सी जनरेशन में लीड कर रही हो, यानी बस तुम लोगों की यही तो प्रॉब्लम हो जाती है, तुम लोग ज़रा सा पढ़ लिख जाती हो तो अपना वो कलेक्टर समझने लग जाती हो। मैंने कहा चलो मैं कलेक्टर ही सही, लेकिन तुम्हें मुसलमान तो हूँ, सही बात बताऊँगी मैं तुम्हें, झूठ नहीं बोलूँगी। और मैंने कहा तुम्हें इसलिए पता है कि यूपी में अभी तक पोलियो जा ही नहीं रहा, कितना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने फिर अपना फ़र्ज़ समझा कि मुझे इन्हें बैठ के समझाना है, बताना है। और फिर जब मुझे धीरे धीरे पता लगा तो उन्होंने तो कोई भी वैक्सीनेशन नहीं करवाया हुआ था अपने बच्चे का, 10 महीने का जो उनका लड़का था उसका उन्होंने कोई वैक्सीनेशन नहीं, उसका MMR नहीं, उसका DPT नहीं, कुछ भी नहीं। मौजू से हटकर सोचें तो हम भी महसूस करेंगे कि रोशन ख्याली की जरूरत औरतों को भी उतनी ही है जितनी मर्दों को। कहते हैं कि एक औरत का तालीम याफ्ता होना उसकी आने वाली नस्ल को भी इल्मी नूर से सराबोर कर देता है। जमाने के तलख या यूं कहें कि खट्टे मीठे तजुर्बों से गुजरते हुए शाजिया ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और साथ ही शादी के रिश्ते में भी खुद को बांध लिया। हमने ग्रेजुएशन किया हुआ था, A-level डो एक्सर कोर्स किया हुआ था, लेकिन एक वो था कि ठीक है प्रोफेशनली शायद मैं और कुछ हासिल कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं सिम्बोसिस से कॉरेस्पॉन्डेंस से मैं MBA कर लेती हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इन लॉज हैं वो काफ़ी मैं ये कहूँगी बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, लेकिन जो साथ में जो लोग थे वो इस किस्म के थे कि एक वक्त को तो मुझे भी लगा कि नहीं मुझे शायद नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उन्होंने कहा कि क्या बहू की हाथ की रोटियाँ खाओगे, क्या बात है खुर्शीद साहब, ऐसा होगा, ये करेंगे आप, उनसे काम करवाएंगे, क्यों पढ़ा रहे हैं भाई उसे उतना, क्या काम धंधा करवाना है उससे, क्या मसला है। तो बड़े इमरान भी जो मेरे शौहर हैं वो भी एकदम वो हुए और लोग भी हुए, क्योंकि भाई हमारी तो बहुएँ जो थी उन्होंने बड़ा एग्जाम्पल दिया। मेरी बहू तो गवर्नमेंट जॉब में थी, मैंने उससे पहले दिन ही कह दिया था अगर मेरे घर तुम्हें आना है तो तुम्हें नौकरी छोड़ के आने पड़ेगी, और आप तो उसे पढ़ा रहे हैं जिससे कि वो और नौकरी करे आगे। भाई मुझे तो लगा कि बस ख़त्म हो जाएगा, बच्ची है अपने आप बाद में घर वर देखे, बच्चे हैं ये सब करे काम अपना, क्यों इसे बाहर जाना है। बूढ़ी अम्माएँ जो होती हैं ना, थोड़ी सी दादी जो होती हैं वो समझ नहीं पाती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने खुद ने
चूल्हा चक्की किया है, वो खुद किचन से बाहर नहीं निकली हैं, वो खुद चाहती हैं कि आने वाली जनरेशन भी यही करती रहें। मेहमान आए, मेहमानों के लिए खाना बनाओ, चलो भाई मुर्गा बनाओ, चलो भाई कबाब बनाओ, बिरयानी बननी चाहिए, ये होनी चाहिए, सलाद होना चाहिए, और औरत जो है बहू घर की वो सबसे आखिर में खाना खाना चाहिए। अच्छा बचा तो खाना चाहिए, नहीं तो, और कबाब तो उसे खाने का हक ही नहीं है। कबाब तो भाई आदमियों के लिए हैं, औरतों के लिए थोड़ी है कबाब। कबाब आदमी ही खाएगा, अगर घर में मेहमान आए तो कबाब आदमी खाएगा, सैलड सजीवी सैलड आदमी खाएगा, औरत नहीं खाएगी। औरत बचा है शोरबा, शोरबे से खा ले, क्या क्या बुराई है उसमें, तुम्हें खाना ही तो खाना है, ख़त्म करो मसला। लेकिन तुम कबाब के लिए भी कह रही हो, चिकन फ्राई के लिए भी कह रही हो, और बहू हो इस घर की और औरत हो, और तुम चिकन फ्राई खाओगी कबाब खाओगी, वाह भाई बड़े सुर्ख आपके ऊपर हैं आपके। आई वॉज लकी इनफ देर आई हैव अ हस्बैंड लाइक इमरान, आई वॉज वेरी लकी इनफ देर आई हैड अ इन लॉज लाइक माइन, तो दे वर लाइक वेरी सपोर्टिव। शादी के बाद सबसे अच्छी बात थी कि ससुराल वालों का भी उसके हर फैसले में साथ था। शाजिया ने खुद को भी इस लायक बनाया था कि नौकरी के लिए उसे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। शाजिया ने येलो पेजेस में भी काम किया, लेकिन जो सुकून उसे बतौर नामीबिया एम्बेसी की इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनकर मिला, उसकी खुशी सबसे अलग दिखती है। मुझे याद है कि जब मैं यहाँ दिल्ली ऑफिस में आई थी तो मेरे जो बॉस हैं उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए दिया था, और मैंने उस प्रोजेक्ट पे बहुत लगन से और मेहनत से काम भी किया था, और मेरी एक कोलीग थी जो मेरी ही डेजिग्नेशन पे मेरे साथ थी, एंड शी वाज हेल्पिंग मी इन दैट, और वो दिल्ली में काफ़ी टाइम से इस कंपनी में थी। तो जब हमारा ये मौका आया था कि जब वो मुझे प्रेजेंट करना था, तो उन्होंने इस तरीके से करके सारा क्रेड अपने ऊपर ले लिया था कि ये सब कुछ जो किया है वो मैंने किया है, इट इज़ ऑल इन यू नो वॉट ऑल हैज़ बिन डन दैट इज़ माई वर्क, एंड शाजिया वॉज जस्ट अ हेल्पर, यू नो शी इट वॉज नॉट हर कॉन्सेप्ट, इट वॉज नॉट हर आइडिया, उसका कुछ नहीं था। और सिचुएशन ऐसी हो गई थी, हालात ऐसे पैदा हो गए थे कि मैं कुछ नहीं बोल पाई थी। उसने इस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया था हमारे मैनेजर्स के सामने, डायरेक्टर्स के सामने, कि मैं शायद समझा, मैंने समझा कि हाँ शायद मैंने कुछ नहीं किया, और जबकि मैंने ही किया था वो। बट आई वॉज सो जैब्ड, मैं बहुत घबरा गई थी कि ये क्या मैंने नहीं किया, ये शायद सब उसने किया है। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करना चाहिए, वो मेरे साथ हमेशा है, और बस उसका शुक्र है कि वो रहे मेरे साथ हमेशा, मुझे वक्त पे गाइड करता है, और सब मतलब उसका तो जो करम मेरे ऊपर है वो बयान नहीं कर सकती मैं। फिर जो मेरे बॉसेस हैं उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा, बताया कि ऐसा है शाजिया, मैंने इसका काम देखा है और मैंने तुम्हारा काम नहीं देखा है, ये काम ये नहीं कर सकती, और सिर्फ तुम दोनों थे, मुझे पता है ये काम किसने किया है, गो अहेड वर्क हार्ड एंड यू वुड बी रिवॉर्डेड फॉर व्हाट यू हैव डन। जब मैं गेट इट में थी, येलो पेजेस में के लिए जब मैं वर्क कर रही थी, तब हमारे जो सर थे, बॉस थे, वो मुस्लिम हैं, और मिस्टर फरीद, और उनकी वाइफ हिंदू थी इकबाल, वो सरदार थी, शी वॉज अ सर्ड। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा, ही हिमसेल्फ बींग अ मुस्लिम, उन्होंने जब मुझे इंटरव्यू किया, बात करी, ये करा, ओ शाजिया यू आर डायनेमिक एंड नो आई वांटेड फॉर दिस पोस्ट, आई वांटेड अ गर्ल लाइक यू हु इज रियली आउटस्पोकन एंड हु कुड रियली पुट अप थिंग्स वेल एंड यू राइट वेरी ब्यूटिफुली एंड यू हैव दैट कॉन्सेप्ट इन एवरीथिंग, यू गेट माई थिंग्स वेरी वेल। आज शाजिया बतौर इंफॉर्मेशन ऑफिसर नामीबिया एम्बेसी में काम करती है। शाजिया की कामयाबी उसके लिए नए जमाने की सोच है। उसका मानना है कि जिस तरह पुराने फूल खुद ब खुद डाली से टूटकर नीचे गिर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, उनकी जगह नए फूलों को आना होता है, उसी तरह पुराने ख्यालात को इज्जत देते हुए बदलना होगा। नई सोच को उनकी जगह देनी होगी, तभी बदलते जमाने की नई मंजिलों तक पहुंचना आसान होगा। आज शाजिया चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, अपने काम को बखूबी अंजाम देती है। उसकी तारीफ करते कोई नहीं थकता, क्योंकि शाजिया अपने काम को जानती है। शाजिया इज अ हार्ड वर्किंग लेडी, एज आई सेड, शी इज वेरी वेरी एफिशिएंट, शी परफॉर्म्ड हर जॉब वेरी वेल, शी इज अ वंडरफुल पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन, फ्रॉम द आउटसेट वी हैव हैव अ गुड वर्किंग रिलेशंस।
शाजिया वो पहली औरत थी जिनसे मैं मिली जो मुसलमान है, और मेरा पहला इंटरेक्शन था एक मुसलमान लेडी से। शाजिया ऐसी लड़की है जो घर से बाहर भी निकल रही है, घर भी संभाल रही है, एंड शी इज़ वेरी वेल एजुकेटेड और काफ़ी रिलीजियस भी है। शाजिया ने खुद को हमेशा आगे रखा, चाहे वो दुनियावी तालीम हो चाहे दीनी। ईमान की ताकत और ईमानदारी उसके लिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू उसे खुदा की दी हुई हजारों नेमतों को समझने के लिए दानिश और अक्लमंद बनाता है, तो दूसरा पहलू उसे अपने फर्ज, अपने समाज और अपने मुस्तकबिल के लिए सच्चा बनाता है। जिंदगी की ऊंचाइयों को छूना शाजिया के लिए अगर मंजिल है, तो कुरान शरीफ की आयतें नेकी और सच्चाई की राहें। शाजिया जिंदा दिल है और उसकी सोच कहती है कि सिर्फ खाने पीने और सांसें लेते रहने को जिंदा नहीं कहते, बल्कि जिंदा वो है जो इल्म और दानिश हो, जिंदा वो है जो औरों की भलाई सोचे। वमा यस्तविल अहया वलल अमवात। सूरह फातिर की ही आयत 22 में अल्लाह ने एक और सच्चाई की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है, और वो ये है कि जिंदा और मुर्दा लोग यकसा नहीं हो सकते। ये बात भी बड़ी अहम है, ये तो सामने की बात है, हम सब जानते हैं कि जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं होते, फिर इस बात को यहाँ कहने की क्या जरूरत थी। असल में अल्लाह जल्ले शानहु ये बता रहे हैं कि खाली खाते पीते सोते जागते चलते फिरते आदमी को जिंदा नहीं कहते, बल्कि जिंदा वो होता है जो कि इल्म व दानिश का, अक्ल व मारिफत का हुसूल करता है और उसका इस्तेमाल करता है। इसकी मिसाल ऐसे दी जा सकती है कि लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं, उनकी मौत पर उनके अहबाब और अज़्ज़ा आंसू बहाते हैं, उनके दोस्त काफ़ी अफसोस मिलते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद लोग भूल जाते हैं कि कौन कब पैदा हुआ, कब तक जिया और कब मर गया। लेकिन इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरने के बाद ज़्यादा जिंदा रहते हैं, इसलिए कि उनकी उनका इल्म, उनकी अक्ल और उनके कारनामे जो कि वो इंसानियत की फला और सलाह के लिए करते हैं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। आप ये देखेंगे कि जो आपने पढ़ा है उसे आप इस्लाम से रिलेट करेंगे तो आप शायद इस्लाम को और खूबसूरती से समझ पाएंगे। अभी तक हम सिर्फ अरबिक में कुरान को पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप उसको मायने के साथ एक बार आप पढ़ेंगी तो आपको एहसास होगा कि मैं कहाँ थी, मैं कितने अंधेरे में थी। ये तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, मुझे ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। और अगर आप दीनी और दुनिया दोनों तालीम को साथ लेके आगे चलते हैं तो तब हम अपने लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात खुद के लिए खुद कुछ कर सकते हैं। अब के जो ख्वाब होंगे बंदिश ना होगी कोई, परवाज होगी ऊंची पलकें अगर न सोई। वैसे तो ख्वाबों का फैलाव इतना बड़ा होता है कि उसमें सातों समंदर समा जाएं, लेकिन शाजिया के ख्वाबों की तामीर इतनी बुलंद नहीं है। वो तो अपनी खुली आंखों से भी कुछ ऐसे ख्वाब देखती है जिन्हें हकीकत में तब्दील होना ही चाहिए, क्योंकि उसके इन ख्वाबों में उनकी भी भलाई है जो बदनसीबी से इल्म से महरूम है। शाजिया अपने हर फर्ज को अपना ईमान समझकर पूरा करना चाहती है और अपने उस ख्वाब को हकीकत में बदलते देखना चाहती है जिसमें इल्म को सबसे आला दर्जा हासिल है। अपने काम को और भी बेहतर अंजाम देने के साथ साथ औरों की मदद भी करना चाहती है शाजिया नकवी। अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि अगर आप एजुकेट भी हो रही हैं तो आपका सिर्फ एक मकसद ये नहीं है कि आप नौकरी करेंगे, आपकी रोज़मर्रा में भी एजुकेशन कैसे काम आएगी आपको पता तक नहीं चलता। आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, आपका जो हाइजीन होगा, आपकी जो क्लेनलीनेस होगी, आपकी जो नॉर्मल रूटीन, जो हाउस होल्ड के जो काम होंगे ना, उसमें भी जो आपने पढ़ा है वो काम आ जाएगा।
अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करना चाहिए, वो मेरे साथ हमेशा है और बस उसका शुक्र है कि वो रहे मेरे साथ हमेशा।